आपके साथ मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। मथुरा की थाना वृंदावन इलाके में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक होटल के स्टोर रूम में अचानक आग लग गई है, जिसके बाद जहां होटल में ठहरे यात्रियों की चीख पुकार मच गई, वहीं इस आग की चपेट में आने से दो कर्मचारियों की जलकर मौत हो गई है। जहां घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया तो SSP भी मौके पर पहुंच गए हैं, जहां पर पूरे मामले की जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित होटल वृंदावन गार्डन में आज सुबह अचानक आग की तेज लपटें लोगों को उठती दिखाई दी, जिसके बाद तेज ही होटल में ठहरे यात्रियों को आग की जानकारी हुई तो उनकी चीख पुकार मच गई है। चूंकि आज होटल के सबसे ऊपर वाले बने स्टोर रूम में आग लगी थी, जिससे यात्रियों में जल्द ही बाहर आकर इसकी सूचना पुलिस और फायर को दी, मगर कई घंटे तक फायर विभाग मौके पर नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते स्टोर रूम में सो रहे दो कर्मचारियों की जलकर मौत हो गई है। भाई हमें अपना काम करने दीजिए, तो हम ना नहीं बोल रहे, करो ना अंदर जाके करो, ऊपर चढ़ के करो। तो मैं क्या मतलब, तो अपना काम करो जाओ भाई। देखो तुम आराम से बोलो, शांति से पहले बात करो। अरे यार शांति से बात करो, फिर भी बोल रहे भाई, काम करने दो ना हमको, शांति से बात करो। मतलब मैं अल्लाह बता रहे यार, जगह दो इनको, जगह दो। और अग्रवाल जी बताएं कहाँ जा रहे हैं? हरियाणा हिसार से। आप यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, हम एक ही फैमिली हैं जी। हम एक ही फैमिली से सब लोग। मैं करीबन 5:07 से फायर ब्रिगेड को लगातार फोन कर रहा हूँ, लेकिन उनका फोन नहीं लगता है इमरजेंसी नंबर के ऊपर, जो कि आप ये देख सकते हैं। मैंने ये कितनी दफा फायर ब्रिगेड को फोन किया, नंबर भी नहीं लगा। सबसे हमने फोन कर दिया, ये 101 नंबर भी नहीं लगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने लास्ट में 112 नंबर पे फोन किया कि आप लोग सूचना दो फायर ब्रिगेड को। तो इतनी बेकार हालत है यहाँ पे, इमरजेंसी फर्स्ट एड के नाम पे कुछ भी नहीं मिला हमारे को। फोन करने के तकरीबन 35 मिनट के बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड, 40 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड पहुँचती है, जो कि 112 नंबर पे कॉल करने के बाद पुलिस सहायता हमारे को 10 मिनट में मिल जाती है। देखिए ये जनपद मथुरा में वृंदावन में होटल वृंदावन गार्डन है, जिसमें सुबह के समय ये सूचना मिली कि इनके टॉप फ्लोर पे एक कमरे में आग लग गई है, जिसके बाद CFO और फायर की टीम तत्काल मौके पर पहुंची, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे, आग को बुझाया गया है। वर्तमान में होटल जो है, होटल की दो बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग है जिसमें होटल के रूम्स हैं और दूसरी बिल्डिंग है जिसमें टॉप फ्लोर पर स्टोर रूम था जिसमें आग लगी थी, उसके नीचे एक रेस्टोरेंट और नीचे एक रूम और है। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग्स हैं। जो सेकंड बिल्डिंग थी जिसमें स्टोर रूम था, उसमें टॉप फ्लोर पे जो स्टोर रूम था उसके अंदर दो इनके टेम्परेरी लेबर के स्टाफ, वर्तमान में यहाँ भागवत कथा चल रही थी तो उसके लिए इन लोगों ने जिसको हायर किया हुआ था, वो लोग अंदर सो रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उन दोनों की मृत्यु हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि उस कमरे में इनकी सारी फाइल्स, पर्दे, टेंट का सारा सामान, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, हीटर वगैरह अन्य चीज़ें रखी हुई थी, तो प्रथम दृष्टया हो सकता है या तो किसी शॉर्ट सर्किट या किसी बिजली के ऐसी चीज़ की वजह से जिससे आग लगने से वो चीज़ फैल गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बट अभी हमारी पूरी टीम यहीं पर है, सारी चीज़ों की संपूर्ण जानकारी करने के बाद ये अवगत कराया जाएगा कि इसका मूल कारण फायर का क्या रहा। फायर को एक कमरे तक ही रोक दिया गया था जो कि टॉप स्टोर रूम था। जो दूसरी बिल्डिंग थी जिसमें गेस्ट रहते हैं, जो इनका मेन होटल का गेस्ट या रूम्स हैं जो बेसिकली, उसमें फायर कहीं पर भी नहीं आई, सभी गेस्ट को सेफली इवैक्यूएट कर दिया गया है।
किसी प्रकार से अन्य कोई समस्या वर्तमान में नहीं है। ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि फायर का मुख्य कारण क्या रहा जिस वजह से ये घटना घटित। एक कर्मचारी घायल भी बताया जा रहा है। हाँ, एक कर्मचारी जो इनका था, जैसी हमारी टीम मौके पर पहुंची वो स्वयं भी बुझाने का प्रयास कर रहा था, उसमें वो झुलस गया है थोड़ा, तो वो घायल है, उसको भर्ती कराया गया, उसका भी उपचार अभी चल रहा है। दो कैजुअल्टी हैं और जैसा मैंने बताया कि वो सारी चीज़ें अभी चेक की जा रही हैं कि क्या क्या जो हमारे नॉर्म्स के नोटिसेज वगैरह सारे दिए गए हैं उसमें किन किन चीज़ों में कमियां थी, क्या क्या चीज़ें थी, वो संपूर्ण जांच का विषय है और जांच उपरांत उसके संबंध में आपको विस्तृत डिटेल्स भी दी जाएंगी। सबसे बड़ी कमी यहाँ देखी जा रही है फायर स्टेशन की, वृंदावन एक बड़ा तेज स्थल है और यहाँ जिस तरह की घटना होती है कंजेस्टेड गलियाँ हैं, फायर स्टेशन की काफ़ी डिमांड भी रही है कई बार। फायर स्टेशन का प्रपोजल भी है, उसमें शासन से बात भी हो गई है और बहुत जल्द वो चीज़ हो भी जाएगी, उसके संबंध में हमारे द्वारा जानकारी भी दे दी गई है। उसके अलावा हमारी टीम से मौके पर रहती हैं क्योंकि जब तक फायर स्टेशन नहीं है तब तक भी फायर टेंडर्स और हमारी टीम से मौके पर रहती हैं क्योंकि वृंदावन अपने आप में एक बड़ा शहर है, तो वहाँ पे टीमों को इसीलिए लगा के लगातार रखा जाता है ताकि अगर ऐसी कोई समस्या घटित हो तो ऐसा ना हो कि मथुरा से गाड़ियों को आना पड़े, तो वो चीज़ हम लोग पिकअप कर रहे हैं। फायर स्टेशन भी बहुत जल्दी वृंदावन में बनेगा लेकिन तब तक हम लोग अपनी टीम से भी उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। थैंक यू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।